नमस्ते मेरे भारतीय परिवार, मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में पहली बार दिल बेचारा इस फिल्म का ट्रेलर देखने वाला हूँ। ये कल या परसों YouTube पर आया बिल्कुल नया ट्रेलर है और इस फिल्म का संगीत A.R. रहमान जी ने कंपोज किया है। ये कंपोज को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपोज संगीत। तो इस फिल्म का संगीत A.R. रहमान जी ने लिखा है, हाँ लिखा है। और ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत जी, उनकी सबसे नई और सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट आखिरी फिल्म है। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कई सारे लोग ये बात मान नहीं पा रहे होंगे, यकीन नहीं हो रहा होगा, कहीं लग रहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत आज तक इस असली दुनिया में कहीं मौजूद हैं। मैंने उनको पहली बार P.K. फिल्म में देखा था जब मैं दिल्ली में था और केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो ऐसा संस्थान यानी विद्यालय है जिसकी स्थापित विदेशी लोगों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए की गई थी, उस विद्यालय में हिंदी की पढ़ाई कर रहा था तब P.K. की फिल्म आई थी। और मुझे अभी तक याद है उस फिल्म के अंतिम में अनुष्का शर्मा जी पाकिस्तानी दूतावास की कृपा से कई साल बाद आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत जी से बातचीत कर पाए थे। ये सिर्फ P.K. फिल्म का एक हिस्सा है, सीन है, मगर वो सीन देखते समय मैं सचमुच बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था और बहुत ज़्यादा रोना पड़ा था। और आज इस नई फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को पहली बार देखूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और सुशांत सिंह राजपूत जी, उनका नाम सुनकर दो गाने मुझे याद आ गए हैं। तो इस वीडियो के अंतिम में मेरा मुख्य काम वायोलिन के ऊपर बजाकर आप सभी को सुना देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आरंभ करते हैं। नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियाँ किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरा नाम किजी बासु है। किसी क्यों है मत पूछो। मुझे कैंसर है। रखा किसने रखा? अच्छा ए.आर. रहमान जी। ओके, मतलब ओके किस भाषा में? पर कैंसर को हंसी और खुशी से प्रॉब्लम है। एक राजा एक रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। तुम्हारा आजकल के घर का नाम कॉन्टेन में फिक्स है। जन्म को लेना है और मरना कब हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सही किसी बात नहीं। अभी कभी 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 मुझे सुशांत सिंह जी को देखकर कुछ गाने याद आए हैं, तो बजाकर आप सभी को सुना देना चाहता हूँ। अंत में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में सभी इंसान को कई बार मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ता है। कोई भी अपवाद यानी एक्सेप्शन नहीं है। मगर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर भी जीवन जीने लायक है। कठिन समय तो सभी को आता है, मगर अच्छा समय भी जरूर आता है। अगर आपको अभी कोई समस्या है, दिक्कत है, तो अकेले मत सोचिएगा। आप अपने माता पिताजी को, भाई बहन को या अपने दोस्तों को बता दीजिए और उनकी राय लीजिए। और अगर आप अकेले रहते हैं और ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास में जिनको आप अपनी दिल की बातें बता सकते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या, आपकी दिक्कत, समस्या सब कुछ लिख दीजिए, क्योंकि ये करने पर आपका दिल हल्का हो सकता है। और हम लोग 13 लाख से ज्यादा सदस्यों से बना हुआ एक बहुत विशाल परिवार है। कमेंट बॉक्स में इस परिवार के सभी सदस्य लोग जिनको कोई दिक्कत है उनका मानसिक समर्थन जरूर करेंगे। हम सभी लोग एक दूसरों की मदद और सहायता जरूर करते रहेंगे। ओके दोस्तों, आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग हमेशा के लिए खुश रहें, हंसते रहें, हंसते रहें और आनंद में रहें। तो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।